कक्षा नौवीं पाठ चौथ है। महान राष्ट्रभक्त मदनलाल ढींगरा। यह निबंध प्रोफेसर हर महेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। इसमें उन्होंने महान देशभक्त मदनलाल ढींगरा के जीवन के बारे में हमें बताया है। पंजाब के वीर सपूतों का तो अद्वितीय स्थान रहा है, जिनमें करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। इन पर प्रचुर मात्रा में साहित्य भी लिखा गया है, किंतु ऐसे भी रण बांकुरे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। इनमें पंजाब के एक वीर देशभक्त मदनलाल ढींगरा का नाम भी आता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का निबंध, महान राष्ट्रभक्त मदनलाल ढींगरा। भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्नि में बदलने का श्रेय महान शहीद मदनलाल ढींगरा को जाता है। मदनलाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 में पंजाब में एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता साहिब गुरदित्तामल गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। सेवामुक्त होकर वे अमृतसर में रहने लगे। मदनलाल ढींगरा शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। हर बात को वह तर्क के तराजू में तोलकर देखते थे। बचपन की ऐसी कई घटनाएं हैं जो मदनलाल ढींगरा के आत्मविश्वास को अभिव्यक्त करती हैं। भले ही मदन के परिवार में राष्ट्रभक्ति की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, परंतु वह खुद शुरू से ही देशभक्ति के रंग में रंगे गए थे। लाहौर कॉलेज में पढ़ते हुए उन्हें देशभक्ति के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा। कॉलेज छोड़कर उन्होंने कई धंधे किए, जिनमें कारखाने की मजदूरी तथा अपना गुजारा करने के लिए रिक्शा और टांगा तक चलाना भी शामिल था। घर में केवल उनके बड़े भैया ही उनकी बात को सुनते और समझते थे। बड़े भैया के कारण ही वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सन 1906 में इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यांत्रिकी अभियांत्रिकी भाव मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। यह मदनलाल ढींगरा के जीवन का नया मोड़ था। भाई की सहायता के बिना यह सब संभव ना था। विदेश में रहकर अध्ययन करने में उनके बड़े भाई ने तो उनकी मदद की ही, परंतु इसके साथ साथ इंग्लैंड में रह रहे कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने भी उनकी आर्थिक सहायता की। लंदन में मदनलाल ढींगरा भारत के प्रखर राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। इन्होंने उनके संपर्क में आने पर जहां अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, वहीं सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा भी मदनलाल ढींगरा की देशभक्ति से प्रभावित हुए। कहा जाता है कि सावरकर ने ही मदनलाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की गई। मदनलाल इंडिया हाउस में ही रहते थे। उन दिनों खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त, सतिंदर पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्युदंड दे दिया। इन घटनाओं ने मदनलाल ढींगरा और सावरकर जैसे देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत और बदले की भावना को जन्म दिया। 1 जुलाई 1909 को भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य, जिनमें अंग्रेज सदस्य भी थे, वार्षिक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए।
इसी समारोह में कर्जन वायली भी परिवार समेत आया। वह उस समय स्टेट ऑफ इंडिया का सचिव सलाहकार था। मदनलाल ढींगरा ऐसे अधिकारियों से नफरत करते थे। मदनलाल ढींगरा का मानना था कि ऐसे नीच अधिकारियों ने हजारों भारतीयों को केवल गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि बिना किसी कारण के मौत के घाट उतारा है। 22 वर्ष के नौजवान ने अपनी जेब से पिस्टल निकाला और कर्जन वायली को 7 गोलियों से वहीं ढेर कर दिया। मदनलाल ढींगरा सच्चे देशभक्त थे। वे भागे नहीं, बल्कि बड़े आराम से अपना चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने भरी सभा में अपने देशभक्त होने का साक्ष्य दिया। 1909 में अंग्रेजों के लिए यह पहली साहसपूर्ण चेतावनी थी कि भारतीय अपना देश आजाद करवाना चाहते थे तथा आजादी के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मदनलाल ढींगरा ने बंग भंग आंदोलन के समय भी लंदन की गलियों को वंदे मातरम से गुंजाया था। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाजारों में घूमा करते थे। अपनी हर पुस्तक के ऊपर मदनलाल ढींगरा ना लिखकर वंदे मातरम लिखा करते थे। मदनलाल ढींगरा उच्च आदर्शों के स्वामी थे। वे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करना भी खूब जानते थे। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 को अभियोग चलाया गया। मदनलाल ढींगरा ने अदालत में बड़े खुले शब्दों में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन भारत माँ को समर्पित कर रहा हूँ। आप याद रखना कि भारत के सुनहरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्द ही भारत माँ स्वतंत्र होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर नागरिक को अपनी मातृभूमि स्वतंत्र कराने का अधिकार है। अंग्रेजों का कोई हक नहीं कि वे बिना किसी कारण भारतीयों को गुलाम बनाकर रखें। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटोविले की जेल लंदन में फांसी की सजा दी गई थी। यह वही जेल थी जहां शहीद उद्धम सिंह को भी फांसी दी गई थी। आयरिश लोगों ने मदनलाल ढींगरा की हिम्मत को बहुत सराहा, क्योंकि वे खुद इंग्लैंड में रहकर अपनी आजादी के लिए जूझ रहे थे। मिस्टर वीएस ब्लंट, जो उस समय इंग्लैंड के मेंबर पार्लियामेंट थे, ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैंने किसी ईसाई को भी अपने आत्मसम्मान और आत्मबल के साथ न्यायपालिका का सामना करते हुए नहीं देखा। ढींगरा की महान शहादत को याद करते हुए लाला हरदयाल ने कहा कि ढींगरा की शहीदी उन राजपूतों और सिखों की कुर्बानियों की स्मृति का पुंज है, जिसके कारण शहादत अमर बन जाती है। अंग्रेज सोचते होंगे कि उन्होंने मदनलाल ढींगरा को फांसी देकर सदा के लिए स्वतंत्रता की आवाज को दबा दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि यही आवाज भारत को स्वतंत्र बनाएगी। श्रीमती एनी बेसेंट ने मदनलाल की शहीदी पर कहा कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक मदनलालों की जरूरत है। मदनलाल की शहीदी से प्रभावित होकर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने उनकी स्मृति में मदन तलवार नामक पत्रिका निकाली। बाद में यह पत्रिका क्रांतिकारियों की विचारधारा की संवाहक बनी। 16 अगस्त 1909 की डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा का जोश भरा वक्तव्य छपा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हिंदू होने के नाते मैं अनुभव करता हूं कि गुलामी राष्ट्र देवता का अपमान है। राष्ट्र पूजा ही राम और कृष्ण की पूजा है। मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहूंगा जब तक भारत माँ स्वतंत्र ना हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने मदनलाल ढींगरा की देह को लावारिस करार देकर दफना दिया।
वीर सावरकर जी ने ढींगरा की देह को प्राप्त करने के लिए अंथक प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हुए क्योंकि सरकार का कहना था कि वे उनके संबंधी नहीं हैं। कई वर्षों के बाद जब 13 दिसंबर 1976 को महान शहीद उद्धम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई, उसी समय मदनलाल ढींगरा की अस्थियों को भी मातृभूमि का स्नेह प्राप्त हुआ।